उसको निपटा दो। एसिडिक स्ट्रेंथ में कोई दिक्कत ही नहीं आ रहा है, माइनस आई माइनस एम एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू किसके इक्वल होगा तुम्हारा ना, माइनस आई एन, और भी किसके प्रोपोर्शनल होगा तुम्हारे, इनवर्स टू द किसके, प्लस आई। ठीक है, इसे ध्यान रहे। जैसे का सिंपल सा केस अगर हम लोग देखें, क्या केस देखें, जैसे इस टाइप का ना, एक ओ एच यहाँ लगा दो, ठीक, क्लियर है, यहाँ लगा दो सी ओ एच, यहाँ लगा दो एसओ थ्री एच, ठीक है, और कोई काट लगा दीजिए, हाँ, और एक आठ हो कुछ खाली एच लगाते एक आध खाली एच लगा दो सी एच ओ, चलो सी एच ओ ही लगा दो, ठीक है, सी एच लगाएंगे तो थोड़ा सा अल्टरनेट वाला एच ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ना, वो वाले एट में उतना दम नहीं रहेगा, चलो है ठीक, यही लगा दिए। अब इन सब में वन टू थ्री फोर सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, सबसे लीस्ट कौन है, लिख लीजिए ऑर्डर में लिखिए, सबसे ज़्यादा कौन है, थ्री के टू, क्यों थ्री, हाँ उसमें तीन ऑक्सीजन है ना, नेगेटिव चार्ज तीन ऑक्सीजन पे जाएगा, ठीक है, फिर किस पे है तुम्हारा, सेकंड, यानी थर्ड सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा डिलोकेशन, फिर सेकंड में डिलोकेशन कम हो रहा है, फिर कौन सा होगा फोर्थ, ठीक है, फिर कौन सा होगा फर्स्ट, इसको वो नहीं समझा था, बेंजीन रिंग नहीं है ये ना, नॉर्मल रिंग, ठीक है, प्लस एम की बात नहीं, हम लोग एच को देख रहे हैं मन लगा के ना, हाँ, तो हम लोग को ये देखना होगा कि एच एच जब हटेगा तो माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल किसके पास है, ओ के पास होगा कि सी के पास होगा, तो ओ के पास हम लोग के पास ज्यादा स्टेबल दिखेगा ना, किसके पास दिखेगा ज्यादा, अगर हम लोग को केवल देखना है वो, तो किसके पास ज्यादा आएगा, ओ के पास कि सी के पास, ओ के पास माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल किसके पास होगा तुम्हारा, ओ के पास, तो हम लोग को ओ को ज्यादा प्रायोरिटी देना होगा ना, ओ से डायरेक्टली लिंक, तो इस वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फोर्थ से हमेशा क्या रहेगी तुम्हारा ज्यादा, ठीक है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ओ वाले की क्या रहेगी, उस वाले से, क्योंकि वहां पे एच डायरेक्टली ओ से लिंक्ड नहीं है, यहाँ पे एच किससे लिंक्ड है तुम्हारा सी से, ठीक है, अच्छा उल्टा लिख दिया भाई, उल्टा है, सॉरी सॉरी, ठीक है, ये ध्यान देना, नेगेटिव चार्ज किस पे बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, ओ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है कॉम्प्रेजन टू सी, यहाँ नेगेटिव चार्ज किस पे आना है सी पे आना है, यहाँ नेगेटिव चार्ज किस पे आना है ओ पे आना है, तो ओ की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी सी से ज़्यादा, ठीक है, वो अलग बात है कि बाद में उसके पास माइनस आई है माइनस एम वो कुछ चेंज करेगा, वो बाद की बात है, इफेक्ट पहले जो चार्ज किस पे स्टेबल है, जो रेजोनेंस पार्ट है, रेजोनेंस तो उस कंपाउंड का पार्ट होगा ना, जब दो कंपाउंड को हम करेंगे कॉम्पेयर तब उसमें देखेंगे, फिलहाल तो हम लोग को ये देखना होगा कि माइनस चार्ज किस पे आएगा, तो माइनस चार्ज कौन देगा, टेंडेंसी किसके पास तगड़ी रहेगी, ठीक है, ओ के पास, ओ तगड़ा खींचेगा, क्लियर है, नेक्स्ट अगर देखो हम लोग, क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर, दिमाग में रखिएगा, दिमाग में कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा ना,
इसके पास रेजोनेटिंग फॉर्म बनेंगे, C माइनस आएगा, डबल बॉन्डेड हो जाएगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, ये लगेगा कि अपना खींच सकता है, ठीक है, ये अपना नेगेटिव चार्ज। पर अभी जो हम लोग स्टेट देख रहे हैं वो क्या है कि किस पे नेगेटिव चार्ज है, और इस वाले केस में किस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो हम लोग को वो देखना है कि नेगेटिव चार्ज जिस किस पे ज़्यादा स्टेबल है, तो जिस पे ज़्यादा स्टेबल होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इन दोनों में कंपेयर करोगे तो ज़्यादा स्टेबल किसके पास, ओके, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई कष्ट। नेक्स्ट आ जाओ, क्लियर है ना। नेक्स्ट केस अगर हम लोग देखें, यहाँ तक पहुँच रहे धीरे धीरे, थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम लोग, जैसे केस देखें किसको देखा जाए, एक ये देखा जाए CH3COH, ठीक, फिर किसको देखा जाए, फिनॉल को देखा जाए, फिर किसको देखा जाए, SO3H, बेंजीन रिंग है ना सर, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें देखो हम थोड़ा ऐसा नॉर्मल ले रहे हैं, अभी एसिड पे तो हम लोग को पढ़ना ही है, फिलहाल अभी तक हम लोग नॉन एग्जैक्ट एसिड पे थोड़ा सा एक एसिडिक लुक दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग नॉन एसिडिक भी फिनॉल बचा हुआ है हम लोग स्टडी में। इसमें बताओ एक ऐसे जनरल लुक में, ठीक, सबसे ज़्यादा कौन होगा तुम्हारा, थर्ड सबसे ज़्यादा है, फिर कौन है, फिर कौन है, फर्स्ट या सेकेंड, कितने लोग फर्स्ट के फेवर में, कितने लोग। इसके बाद अभी यहाँ पे ट्रेंड कुछ आप लोग कन्फ्यूजन हो, थर्ड फोर्थ में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, वो ज़्यादा है, ठीक है, इसमें ज़्यादा है, इसमें दो ही वो है रीजन है ज़्यादा, इसमें इसमें सेकंड के लिए, फर्स्ट क्यों, फर्स्ट सही है सेकंड बाद में, मगर फर्स्ट क्यों, नहीं एसिड तो ठीक हो तो हम लोग को दिख रहा है ना, ये एसिड नहीं हो सकता क्या, हाँ वही चीज, इसमें रेजोनेंस दोनों बार जो रेजोनेंस हो रहा है नेगेटिव चार्ज ओ पे, इसमें जो भी एक ही बार नेगेटिव चार्ज ओ पे है बाकी टाइम नेगेटिव चार्ज किसके है, सी पे, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, किस पे होना, ओ पे होना। इसका फिनॉक्साइड आयन के पास रेजोनेंस ज्यादा, नो डाउट, पर क्या हो गया, जैसे फिनॉक्साइड आयन बना, ठीक है, पर ओ पे नेगेटिव एक ही बार है, क्लियर है। तो अगर ये इस पे आएगा तो बाकी टाइम जो नेगेटिव आएगा किस पे आएगा तुम्हारा, बाकी टाइम नेगेटिव चार्ज कहाँ नाच रहा है, ओ पे तो नाच ही नहीं रहा है, तो सी पे नेगेटिव होना क्या होता है बाबू, अनस्टेबल थोड़ा सा कॉम्पेयर टू, क्लियर है। तो इसके पास जो आएगा एच प्लस के बाद जो इसके पास कंडीशन आएगा, उसके पास दोनों केस में जो नेगेटिव बन रहा है वो ओ पे ही है, ठीक है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है इसका इक्वल कंट्रीब्यूटिंग है ना, क्या है तुम्हारा, इक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग फॉर्म है, इसके पास एक ही रेजोनेटिंग फॉर्म थोड़ा स्टेबल है, बाकी सब हाईली अनस्टेबल है ना, क्योंकि एक तो बेंजीन रिंग का वो टूट रहा है तुम्हारा एरोमेटिसिटी, इसका एरोमेटिसिटी लॉस हो रहा है, ठीक है, साथ साथ कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है, तो इनकी स्टेबिलिटी तो एकदम ही नेग्लिजिबल है ना, ठीक है, केवल थोड़ा बहुत स्टेबल कौन है तुम्हारा, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी नो डाउट आप कह सकते हो कि किसी एक से ज़्यादा है, पर इसके पास दूसरा स्ट्रक्चर नहीं है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है इसके पास, दोनों इक्वल स्टेबिलिटी, देखिए इसकी जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है इसका, उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि दोनों बार नेगेटिव चार्ज, दो ही रेजोनेटिंग फॉर्म है, पर दोनों बार नेगेटिव चार्ज किस पे है तुम्हारा, ओ पे, दोनों की स्टेबिलिटी क्या है सेम है, पर यहाँ पे एक की स्टेबिलिटी सही है पर बाकी सबकी स्टेबिलिटी क्या है एकदम लीस्ट, ठीक है, जितने भी रेजोनेटिंग फॉर्म है उनकी स्टेबिलिटी एकदम ही कम है, ठीक है, ये एक रुपया तो ये सब एक एक पैसा है, और यहाँ दोनों एक एक रुपये हैं, बिल्कुल दो रुपये, अब एक पैसा सौ बार जोड़ोगे तब ना उसके बराबर आएगा, इसकी स्टेबिलिटी 1/100 के अप्रॉक्स हो जाएगी अगर स्टेबिलिटी के केस में देखोगे, ठीक है, समझ रहे नहीं बात को,
क्योंकि देखो ना सिंपल से दिख रहा है एरोमेटिसिटी लॉस होना, एरोमेटिसिटी लॉस होना मतलब कार्बन कंपाउंड के लिए वैसे ही सबसे दुखदाई बात, ठीक है, सीधे सीधे जहर पीने के बराबर। एरोमेटिसिटी मतलब उनके लिए क्या है तुम्हारे, एक तरह से एकदम क्या कहते हैं प्राणवायु ना, ठीक है प्राणवायु है ना, है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव उनके लिए क्या है एक तरह से प्राणवायु, मरते हुए को अगर जैसे वो थे ना कि डूबते को तिनके का सहारा, यहाँ मरते हुए को पूरा एकदम घर मकान का सहारा पूरा, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव है और वो लॉस हो जा रहा है, साथ साथ नेगेटिव चार्ज भी आ जा रहा है, यानी मतलब खुशियाँ तो जा ही रही हैं तो साथ साथ उधार भी लटक जा रहा है, तो कहानी तो ऐसी खत्म। रेजोनेटिंग फॉर्म है नो डाउट कि नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, पर ये रखना नहीं चाहता है, ठीक है ना। जैसे पहले इंडियन क्रिकेट टीम में सचिन हुआ करता था तो बैट्समैन तो और भी हुआ करते थे, पर सब सोचते थे कि ठीक है 300 रन बन जाए 250 बन जाए कुछ हो, सचिन उतर गए तो वही बनाए, हमको बैटिंग ना उतरना पड़े वही बना ले, मतलब उनके होने ना होने का लिस्ट था। अभी तो मालूम चलो बैट्समैन काफ़ी कॉम्परेबल आ गए हैं, पर एक समय था कि बीच में सब सोचते सचिन आउट टीम आउट, इस टाइप का नारा बन जाता, सचिन गया तो टीम गया, कहानी खत्म, ठीक इस टाइप का नारा था। और बाकी मारम बोर्ड नारा मनवा भी देते, बैट्समैन भी ऐसा फील करते थे कि अब सचिन उतरा तो वही बना ले यार, हमको ना उतरना पड़े, ठीक है हमको उतरना ही ना पड़े, मतलब चाहते ही नहीं थे उतरना, उस टाइप से है। तो रेजोनेटिंग है, बैट्स घूम सकता सबके पास, वो रेजोनेटिंग है, पर वो किसी लायक के नहीं थे, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, घूम तो सकता है पर वो नहीं चाहते कि मेरे पास आए, ये नहीं चाहते मेरे पास बैटिंग आए। अब जबरदस्ती दे दिया जाता है कि नहीं, नहीं यकीन है तो तुम लोग 2003 का फाइनल मैच देख लो जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, सचिन आउट हुआ फिर जितने भी आ रहे हैं सब कह रहे हैं अरे यार कहाँ से आ गए, हंसते खेलते जा रहे हैं कि जाओ ले जाओ हम तो हार ही हुए माने हुए, ठीक है। सौरभ गांगुली कैप्टन साहब वो भी हंसते खेलते मार मुड़ के जा रहे हैं अंड का बंड। तो ये था कि उस समय सचिन आउट तो टीम आउट का खेला था, अब तो मान लो ठीक है अब तो सब लगभग सब यंगस्टर हैं सब ताबा तोड़े, वो सब बूढ़े बूढ़े भी इसी पर डिपेंड करते थे कि चलो ये आ गया खेलेगा, तो होता था। तो खैर ये वाला केस है, तो ये चाहते नहीं है ना, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर रहना ज़्यादा स्टेबल है, तो इसमें दोनों केस में नेगेटिव चार्ज क्या है, दोनों इक्वल है, दोनों ही सचिन है, ठीक है। जैसे अभी विराट कोहली रोहित शर्मा हैं इन सब जितने भी हैं, तो उस टाइप का केस है, कोई भी आ जाए सब पहले चाहता नहीं पहले हम उतर जाए ताकि मार मुड़ के हम कहानी ख़त्म कर दें, कोई ये नहीं चाहता कि हमको ना उतरना पड़े, इस टाइप का टेंडेंसी नहीं है अब, ठीक। तो ये वाला खेला है यहाँ पे, तो इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे तीन ऑक्सीजन तीन जगह नाच रहा है, यहाँ दो ऑक्सीजन दो जगह नाच रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सबसे बेकार है बेचारा, क्योंकि अपने अलावा एक ही ऑक्सीजन है और कहीं नचा भी नहीं पा रहा, यहाँ दो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन काउंट अगर जहाँ ज़्यादा रहेगा उसकी स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की ज़्यादा होगी, एकदम सिंपल से एकदम क्रिस्टल क्लियर अपने दिमाग में रखिए, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ज़्यादा उस पर, ठीक है क्लियर बा। पूछा मार दे, आया था हम लोग फिनॉल के थोड़ा सा एसिडिक स्ट्रेंथ पे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, पूछा पूछा नो फिनॉल में देखते हैं, तो फिनॉल में एक चीज़ होता है तुम्हारा कि जैसे ये OH है, अगर हम कोई बेस लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास फिनॉक्साइड है ना, इसमें ढेर सारे रेजोनेटिंग फॉर्म है पर सब इसके कॉम्पेरिजन लेस स्टेबल है ना, ये फिर आएगा यहाँ पे ये उठ के फिर ये यहाँ आएगा तो ये उठ के ऐसा माइनस ये और डबल बॉन्डेड ये फिर ये उठ के यहाँ आएगा तो परफेक्ट है। तो ये वजह है कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक एलिफेटिक अल्कोहल से क्या होती है तुम्हारा ज़्यादा हो जाती, ठीक है, क्योंकि इसके पास एडिशनल रेजोनेटिंग फॉर्म है जो कि एलिफेटिक अल्कोहल्स के पास
नहीं है। तो एरोमेटिक अल्कोहल में फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ एलिफेटिक अल्कोहल से क्या होती है तुम्हारा, ठीक बा, कोई दिक्कत? अच्छा जैसे ये चीज़ हम लिखवाया था ना कि एलिफेटिक अल्कोहल से वाटर का भी ज़्यादा होता है ना, बस किसको छोड़ के, मिथेनॉल को छोड़ के, ठीक है। मिथेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज़्यादा होता है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मगर फिनॉल का उन सबसे भी ज़्यादा, ठीक है ना? फिनॉल का क्या हो जाएगा तुम्हारा? अच्छा इसमें देखो, इसमें भी क्या है, अभी माइनस चार्ज आ रहा है तो क्या करेगा, माइनस आई एंड माइनस एम इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा माइनस आई माइनस एम कहाँ पे, जैसे अगर माइनस एम की बात करें तो ये कौन से पोजीशन पे होना चाहिए, माइनस एम या प्लस एम, तभी हम लोग चेक करते हैं जब वो किस पोजीशन पे हो, ऑर्थो या पैरा, ठीक है। मेटा पे अगर है तो माइनस एम माइनस प्लस एम देखेंगे नहीं किसी का, ठीक है। अगर ग्रुप्स आपस में एक दूसरे के मेटा पे हैं तो उनका फिर हमको माइनस एम या प्लस एम देखना ही नहीं है, क्या देखेंगे, केवल माइनस आई और प्लस एम, क्लियर है कि नहीं? ये दिमाग में फिट किए रही है, ठीक है। जैसे कि अगर कुछ देखा जाए फिनॉल्स के लिए, यहाँ OH है, यहाँ OH है, हम आलो CH3 जोड़ दिए, ठीक बा, यहाँ OH है, यहाँ OCH3 जोड़ दिए, ठीक है, यहाँ OH है, यहाँ NO2 जोड़ दिए। अब बताओ इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ लिखो, फोर्थ फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, सही बात है, फोर्थ सबसे ज्यादा, उसके बाद क्योंकि फर्स्ट इन दोनों में क्या है, प्लस आई प्लस एम हाइपर कंजुगेशन है, इसके पास क्या है तुम्हारे पास, प्लस आई एंड हाइपर कंजुगेशन, इसके पास क्या है तुम्हारे पास, माइनस आई है पर प्लस एम डोमिनेटिंग है, ठीक है, प्लस एम ग्रेटर देन वैसे भी दूर है, और इसके पास क्या है तुम्हारा, माइनस आई और, ठीक है। तो थर्ड सबसे ज्यादा ना, एसिडिक स्ट्रेंथ कौन बढ़ाएगा, ये दोनों तो घटा रहे हैं ना, ये दोनों क्या कर रहे हैं, घटा रहे, सबसे ज्यादा कौन बढ़ा रहा है तुम्हारा, ये दोनों घटा रहे हैं तो इससे कम ही हो गया ना, यानी इन दोनों से ज्यादा तो कौन हो गया तुम्हारा, फर्स्ट, और ये बढ़ा रहा है तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है तुम्हारा, तो फर्स्ट फोर्थ, फिर इन दोनों में कौन ज्यादा है, सेकंड, फिर ठीक है। हाइपर कंजुगेशन का रेजोनेटिंग फॉर्म ऐसे, हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म थोड़ा सा लेस स्टेबल होता है कंपैरिजन टू प्लस एम, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत? नोट मार लीजिए जल्दी से, समझ में आ रहा है ना?